तो वन प्लस टैबलेट इंडिया में तो लॉन्च हो गया स्पेक्स और फीचर्स तो आपको पता ही होंगे लेकिन इस वीडियो में लेके आई हूँ कुछ ऐसे जबरदस्त टिप्स ट्रिक्स और फीचर्स जो आपको डेफिनेटली ट्राई करने चाहिए टू गेट द बेस्ट यूज ऑफ दिस टैबलेट तो अगर वन प्लस पैड खरीदने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखना बहुत सारे कूल फीचर्स हैं जो आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगे तो सबसे पहले सबसे कूल cool फीचर से स्टार्ट करते हैं तो आप वन फोन को अपने वन टैबलेट से पेयर कर सकते हो मोबाइल डेटा और इवन कॉन्टैक्ट शेयर हो सकते हैं इसके लिए क्या करना है सेटिंग्स में चले जाओ और यहां पे ब्लूटूथ पे अपना फोन पेयर कर लो पेयर करने के बाद जैसे ही यहां पे ऑप्शन देखिएगा कॉन्टैक्ट शेयरिंग एंड इंटरनेट शेयरिंग इसको इनेबल कर दो बट याद रखना ये वाला फीचर वन प्लस इलेवन सीरीज फ़ोन में ही अवेलेबल है तो अगर आपके पास वन प्लस इलेवन बिलो कोई भी डिवाइस है तो उसमें ये फीचर अवेलेबल नहीं होगा अगर आप बहुत सारे वीडियो कॉल्स लेते हो तो ये फ़ीचर डेफिनेटली ट्राई करना इसका नाम है लाइमलाइट फीचर ये क्या करता है जब भी आप वीडियो कॉल में हो और आप लेफ़्ट या राइट हो जाते हो मूवमेंट करते हो तो आपको सेंट्रली अलाइन रखता है इसीलिए क्या करना है सेटिंग्स में चले जाओ यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में आपको ऑप्शन दिखेगा इनेबल लाइमलाइट बस वहाँ पे इसको इनेबल कर दो और ये बहुत सीमलेसली काम करता है मुझे पर्सनली फीचर बहुत बढ़िया लगा अब वन प्लस पैड के साथ भी आता है लेकिन आपको स्टाइलो एडिशनली खरीदना पड़ेगा अब इसका एक ज़बरदस्त फीचर बता देती हूँ अगर आप यहाँ पे टिप पे डबल टैप करोगे ना तो करंट टूल और इरेजर से आप स्विच कर सकते हो इसके लिए क्या करना है आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में इनेबल कर दो डबल टैप स्टाइलिस और इसमें चूज़ कर सकते हो जिसमें भी आपको स्विच करना है चूज़ करने के बाद डूडलिंग करते टाइम या ड्रॉ करते टाइम क्विकली स्विच करना है इरेज़र या करंट टूल के बीच में तो सिर्फ यहाँ पे डबल टैप कर दो और बढ़िया बहुत सीमलेसली आराम से चेंज हो जाएगा टूल एक और बहुत ज़बरदस्त फीचर है वन प्लस का सिर्फ डिस्प्ले पे डबल टैप करोगे ना तो डायरेक्टली नोट्स ऐप खुल जाएगा वो भी ड्राइंग बोर्ड के साथ क्योंकि अगर क्या होता है ना अगर आपको नोट्स पैड में ड्राइंग करनी है तो आपको नोट पैड खोलना पड़ेगा और ड्राइंग टूल पिक करना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना है सेटिंग्स में चले जाओ एडिशनल सेटिंग्स में स्टाइलिस में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखेगा स्क्रीन ऑफ नोट इसको इनेबल कर दो जैसे इसको इनेबल करोगे अगर आपकी टैबलेट की स्क्रीन ऑन हो या ऑफ हो बस डायरेक्टली आपका नोट्स ऐप आप खुल जाएगा डबल टैप करने पे अब अगर आपको दो ऐप आप साथ में यूज करना है उसके लिए बहुत बढ़िया फीचर है स्प्लिट स्क्रीन का उसके लिए क्या करना है आपको सेटिंग्स में चले जाओ स्पेशल फीचर्स में आपको ऑप्शन दिखेगा स्प्लिट स्क्रीन का इसको टैप कर लो और यहाँ पे स्वाइप डाउन विथ टू फिंगर्स इसको इनेबल कर दो तो डिस्प्ले पर सिर्फ स्वाइप डाउन टू फिंगर से करना पड़ेगा और डायरेक्टली स्प्लिट स्क्रीन ओपन हो जाएगा और दो ऐप साथ में यूज़ कर सकते हो और ये मल्टी के लिए बहुत बढ़िया है लेकिन एक चीज़ याद रखना काफ़ी सारे ऐप्स ये अभी भी सपोर्ट नहीं करता है कुछ कुछ ऐप्स हैं जो स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करते हैं अब जैसे एप्पल इकोसिस्टम में होता है ना बस वैसे ही वन प्लस ने अपना इकोसिस्टम क्रिएट करने का ट्राई किया है वैसे ही फीचर कॉपी पेस्ट का इसमें अवेलेबल है जैसे एप्पल में एकदम कॉपी किया है इनफैक्ट और भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी की है खैर इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है आपको अपना वन प्लस फ़ोन में अपडेट डाउनलोड करना पड़ेगा जुलाई में जो आएगा ऑक्सीजन हुआ अपडेट उसके बाद आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो तो अपना कोई भी टेक्स्ट आपने यहाँ पर कॉपी किया आप डायरेक्टली वन प्लस पैड में पेस्ट कर सकते हो और वाइस वर्षा तो ये बहुत मुझे बढ़िया फीचर लगा अब बात करते हैं फ्लोटिंग विंडोज के फीचर के बारे में तो ये क्या करता है जब भी आप डिस्प्ले में फोर फिंगर से पिंच करोगे तो डायरेक्टली जो ऐप आप आपने खुला हुआ है ना वो फ्लोटिंग विंडो में चला जाएगा और ये बहुत बढ़िया इसको सिर्फ ड्रैग और होल्ड करोगे ना ऐप को तो साइड में ये फ्लोटिंग विंडो की तरह साइड में भी हो जाता है अब हम आगे आठवा फीचर पे डिस्प्ले साइज़ भी आप चूज़ कर सकते हो कोई भी ऐप का सपोज़ आपने इंस्टाग्राम खोला है तो उसको चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा फॉर्मेट में वो चाहिए इसके लिए क्या करना है सेटिंग्स में चले जाओ यहाँ पे स्पेशल फ़ीचर्स में आपको ऑप्शन दिखेगा डिस्प्ले साइज़ का इसको टैप कर लो यहाँ पे ओरिएंटेशन आप चूज़ कर सकते हो ओरिएंटेशन चूज़ करने के बाद जैसे यहाँ पे जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला बस उसी ओरिएंटेशन में वो ऐप ओपन होगा लेकिन याद रखना काफ़ी सारे ऐप्स ये भी सपोर्ट नहीं करता है लेकिन सिर्फ गिने चुने सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक है इंस्टाग्राम वही सपोर्ट करता है ये अब मैं कुछ होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के फ़ीचर बता देती हूँ तो आप अगर डिस्प्ले पे होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे तो डिस्प्ले बंद हो जाएगी और इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है सेटिंग्स में चले जाओ और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन का उसको टैप कर लो और यहाँ पर डबल टैप टू लॉक वाला फ़ीचर इनेबल कर दो तो जब भी आपको अपने होम स्क्रीन में और आपको डिस्प्ले को बंद करना है तो सिर्फ डबल टैप कर लो और होम स्क्रीन पे डिस्प्ले बंद हो जाएगा एक और चीज़ है टास्क बार में जब भी आप लास्ट यूज ऐप्स है ना वो भी देख सकते हो इसको इनेबल करने के लिए क्या करना है बस यहाँ पे नीचे ही बॉटम में आपको टास्क बार का ऑप्शन दिखेगा इस पर चले जाओ और यहाँ पे शो रिसेंट ऐप्स एंड सजेस्टेड ऐप्स वाला फीचर इनेबल कर दो जैसे इनेबल करोगे जो भी आपके लास्ट यूज ऐप्स है वो यहाँ पर टास्क बार में विजिबल हो जाएंगे अब हम आ गए लास्ट फीचर पे ये भी स्टाइलिस का फीचर है ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा इसको क्या करना है जब भी आपको गूगल सर्च आपने खोल रखा है जैसे आप सिर्फ हवर करोगे ना ऊपर से ही सिर्फ सेलेक्ट भी नहीं करना है आपको और वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा तो ये कुछ निफ्टी फीचर्स है डेफिनेटली ट्राई करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे वन प्लस पैड के ये टिप्स एंड ट्रिक्स मैं मिलूंगी अगले वीडियो में